Yes, students, today's topic is how to find solution of system of pair of linear equations. किस तरह हम system of linear equations का solution निकालते हैं? उसके लिए हमारे पास तीन methods हैं. Remember this point. We have three methods which we use to find the solution of system of linear equations. फर्स्ट मेथड है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यही तीन मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, सो दैट वी गेट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब हम इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं सो दैट वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए जिनका हमें सॉल्यूशन देखना हो. हम यहां पे लीनियर इक्वेशंस लेंगे. टेक एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है. दूसरा से टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. टेकिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन एज इक्वेशन सेकेंड. नाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसका सबसे पहला स्टेप जो है आपको इन्हीं इन दो इक्वेशन में से या तो एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है या वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है. आपके पास दो चॉइसेस हैं एंड यू हैव टू इक्वेशन. जिस इक्वेशन से चाहे उससे वैल्यू निकाल सकते हैं. यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. मैं यहां पे इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं. फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से मैं एक्स का वैल्यू यहां पे निकालूंगा. दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू वाई राइट साइड में जाएगा, माइनस थ्री भी राइट साइड में जाएगा. जब माइनस थ्री राइट साइड में जाएगी बिकम्स प्लस थ्री. 2y जब राइट साइड में जाएगा बिकम माइनस टू वाई. ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गया. वी से दिस इक्वेशन एज थर्ड इक्वेशन. अब हमने इस इक्वेशन में x का वैल्यू निकाला है जो हमने किस इक्वेशन से निकाला है, इक्वेशन फर्स्ट से. अब हमें इस x का वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन सेकेंड. अगर हमने x का वैल्यू सेकंड से लिया होता तब जाके उसको फर्स्ट में आपको सब्स्टिट्यूट करना था, लेकिन हमने फर्स्ट से लिया इसलिए इस x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सेकंड इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. सेकंड में डाल देंगे इस वैल्यू. दैट इज टू टाइम्स x जो है आपके पास वो है 2 टाइम्स एक्स थ्री माइनस टू वाई, फिर प्लस थ्री वाई, थ्री वाई माइनस फाइव इट इज इक्वल टू जीरो. सिंप्लीफाई दिस मल्टीपल. दिस थ्री माइनस टू वाई बाई टू इट बिकम्स टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स. फिर टू इंटू माइनस टू इट बिकम माइनस फोर इंटू वाई. फिर थ्री वाई है हमारे पास माइनस फाइव इट इज इक्वल टू जीरो. और सिंप्लीफाई अगेन इट इज सिक्स माइनस फाइव, यहां पे वन आएगा, माइनस फोर वाई प्लस थ्री वाई इट इज सिंपली माइनस वाई. सिक्स में से पांच जाएंगे दैट इज प्लस वन इक्वल टू जीरो. दैट इज वाई इज इक्वल टू हियर वन. आपके पास वाई का वैल्यू वन आ गया. फिर हमें इस y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. आपके पास तीन चॉइसेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों चॉइसेस हैं जिसमें आप चाहे उसमें डाल सकते हैं. लेकिन वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. यहां से आपको इजीली x का वैल्यू मिलेगा. तो फ्रॉम थर्ड जब थर्ड इक्वेशन में डालेंगे वी गेट x इज इक्वल टू x आपके पास आएगा थ्री माइनस टू इंटू वाई इज हियर वन. और x इज इक्वल टू सिंपली x इज अगेन हियर वन. x का भी वैल्यू वन है. देयरफॉर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दैट इज वन वन, x इज वन y इज वन इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये सॉल्यूशन होगा
सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, यू कैन चेक दिस वेदर दिस इज, तो सॉल्यूशन हमारे पास है इस सिस्टम का, यू कैन चेक इजिली सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वन वन इन द गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम हमारे पास ये है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ये दैट इज इन इक्वेशन फर्स्ट वन प्लस है, इसके बाद टू इंटू वाई का वैल्यू भी वन है माइनस थ्री, क्लियरली इट बिकम्स वन प्लस टू माइनस थ्री दैट इज जीरो विच इज आर एच एस, देयरफॉर इट इज सेटिस्फाइड बाय द सॉल्यूशन बाय द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. Now substitute one one in equation second. See that is two into x का value आपके पास one है plus three into y का भी value one है minus five. Clearly two plus three that is five minus five it becomes zero. It is same as RHS. Therefore one one is the solution of the given system. इस तरह हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाला है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं. यू टेक द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फिर आप एक्स या वाई का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ वाई आर एक्स. अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई या वाई का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, उस इक्वेशन का आप नाम थर्ड रख लीजिए. फिर उस थर्ड इक्वेशन को अगर हमने एक्स का वैल्यू निकाला है फर्स्ट इक्वेशन से, तब उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए सेकंड इक्वेशन में. अगर आपने ये थर्ड इक्वेशन सेकंड से लिया होगा तब उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, वहां से आपको वैल्यू मिलेगा. यहां पे जिस तरह यहां पे वाई का वैल्यू मिला है, जब वाई का वैल्यू मिलेगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड में डाल दीजिए, इसे इजीली आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा. जब आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा एंड वाई का भी वैल्यू आया है, देयरफॉर द एक्स वाई जो आपको मिला है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये तो हो गए, एंड नाउ वी डिस्कस द सेकंड मेथड इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.